हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्चिस किचन। तो आज हम बनाएंगे टोमेटो सूप की रेसिपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सूप की बात हम करें तो टोमेटो सूप हमारा होता है सबसे फेवरेट। तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले अच्छे से पैन गर्म कर लेंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और जो हमने यहाँ पर टोमेटो कट करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे। टोमेटोज़ को हमने यहाँ पर रफली चॉप किया हुआ है, मोटा मोटा कट किया हुआ है। टोमेटोज़ को अब हम यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ गार्लिक, उसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी इलायची यानी काली इलायची के दाने। इसे डालने से सूप का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 लौंग। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर हमें इतना ही ऐड करना है जितने हमारे इसमें टोमेटोज़ हैं वो अच्छे से डूब जाएं। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं रखनी है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक ढककर पकाएंगे। टोमेटोज़ हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसकी प्यूरी रेडी करेंगे। यहाँ पर इसे ग्राइंडर में डालकर एक अच्छा स्मूथ पेस्ट रेडी करना है, स्मूथ प्यूरी रेडी करनी है। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे यहाँ पर स्ट्रेन करेंगे। जितना भी हमने स्पाइसेस डाले थे, जो भी हमारे स्पाइसेस नहीं अच्छे से गल पाए हैं, उन्हें हम अच्छे से छानकर अलग कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से हम ऐसे छान लेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम अलग कर देंगे। प्यूरी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम पैन में बटर ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड हम करेंगे जिससे हमारा बटर है वो बिल्कुल भी जलने ना पाए और इसे मेल्ट होने तक हम अच्छे से कुक करेंगे। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें अब हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से स्टिर करते हुए हम इसे पका लेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जो भी इसका कच्चापन है, जो भी इसकी रॉनेस है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और प्यूरी हमारी अच्छे से पक जाए। और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे थोड़ी सी सूप में स्वीटनेस लाने के लिए, मिठास लाने के लिए, और इसे अच्छे से कुक करेंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। बॉयल हमारा अच्छे से आ चुका है और अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ करी हुई है। आप चाहें तो घर की फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे। सूप हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। सूप को हम गर्म ही गर्म सर्व करेंगे। सूप हमेशा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो इसे आप गर्म ही सर्व करें। और ऊपर से अब हम यहाँ पर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम एज अ डेकोरेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। Thank you.
टोमेटो सूप हमारा यहाँ पर बनकर रेडी है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।